गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पुनः नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन अनवरत कक्षा नाइन्थ के सामाजिक ज्ञान का जो नया सिलेबस है उसमें चार पुस्तकों में से एक पुस्तक अर्थशास्त्र है, उसमें अध्याय एक का अध्ययन कर रहे हैं। उस टॉपिक को आगे पढ़ाने से पहले मैं याद दिलाना चाहूँगा, आपने अब तक के पढ़ाए गए लेसनों का होमवर्क किया होगा, अपेक्षा करता हूँ, याद भी किया होगा। कुछ लोगों की शिकायत भी है, कुछ लोग याद नहीं कर रहे या फिर होमवर्क नहीं कर रहे, कृपया ऐसी गलती ना करें, लगातार होमवर्क करें, लगातार याद करें, क्योंकि यही पढ़ाई हमारे लिए आवश्यक है। घर बैठ के ही हम पढ़ सकते हैं, कोरोना के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। जो बच्चा इस समय घर पर नहीं पढ़ेगा उसको इस साल बहुत नुकसान होगा, इसलिए कृपया करके घर पर अपनी पढ़ाई को अनवरत जारी रखें। तो कल तक का आपने होमवर्क कर लिया होगा, याद भी कर रहे होंगे, फिर भी किसी कारणवश किससे कोई गलती हो गई है तो कृपया आगे से सुधार करें, याद करते रहें और पढ़ते रहें। अब आज पुनः एक नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पालनपुर में, चूँकि अपने पाठ पालनपुर से रिलेटेड है, तो पालनपुर में भूमि का वितरण, इस पर अपन क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो पालनपुर में भूमि का वितरण कैसे होगा, तो देखिए सुनो, इसमें पालनपुर में कुल 450 परिवार है। कितने परिवार है? 450 परिवार है। इन परिवार में से लगभग 150 परिवार खेती विहीन है। अर्थात ये भूमिहीन मजदूर है। इनके पास अपनी कोई खेती नहीं है, ये अन्य लोगों की खेतियों पे काम करके अपना जीवन संचालन करते हैं। लगभग 240 जो परिवार है उनके पास खेती है लेकिन कम है। अर्थात परिवार के पास परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर भूमि है। अब बच गए 60 जो परिवार, जो कि संपन्न अधिकांशतः उच्च वर्गीय है, इनके पास दो हेक्टेयर से अधिक भूमि है। उतार लीजिए, ये भूमि का वितरण है। पालनपुर में भूमि का वितरण, अभी जो 60 परिवार है जिनके पास ज़्यादा भूमि है, इनमें से कुछ परिवार ऐसे हैं, इसके आगे लिखेंगे, साठ परिवारों में से
कुछ परिवारों के पास 5 से अधिक या 10 हेक्टेयर तक कृषि भूमि है। ये हम एजो के नाम से भूमि का वितरण कर रहे हैं। तो ये है पालनपुर के अंदर भूमि का विभाजन। इस प्रकार से पालनपुर में हमने देखा एक तिहाई जो परिवार है, जो गरीब है बेचारे, उनमें से अधिकांश लोग अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं जिनके पास भूमि कम है। अब इसके लिए आप एक चार्ट बना सकते हो, आप चाहो तो इसके लिए गोल चार्टर बना सकते हो, या आप मैं अपनी तरफ से अलग बनाऊं तो दंड आरेख बना सकते हो। इसके लिए दंड आरेख से देख सकते हैं अपन। जैसे हमने यह लिया कृषि क्षेत्र, एक दो साथ कम रहेगा, दो चार, चार को छोड़िए, 5, 8, 10 हेक्टेयर में। अब इसमें ले लेते हैं बड़े किसान, औसत निकाल लेते, बड़े किसान और मझोले किसान, यानी जब मझोले किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, वहीं बड़े किसानों के पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि है, जो कि 5वीं है, किसी के पास 10वीं है। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। एक वृत्त आरेख के द्वारा भी इसको आप कर सकते हो। आप इसका वृत्त आरेख बना लें, आपके पास पुस्तक में वृत्त आरेख है। अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है इसमें श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। ये हो गया अपना भूमि का वितरण। अब इसमें श्रम की व्यवस्था, ये पॉइंट नंबर 5 डालते हैं इस पे। अभी तक 4 पॉइंट हुए ना अपने, 5 श्रम की व्यवस्था कौन करेगा, पालनपुर के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, आपको मालूम है। तो पालनपुर में श्रम की व्यवस्था कौन करेगा, ये अपना विषय है। तो चूंकि हमने देखा पालनपुर में तेतीस प्रतिशत लोग
भूमिहीन मजदूर है, जिनके द्वारा अन्य लोगों की कृषि भूमि पर श्रम की उपलब्धता करवाई जाती है। तो अपना प्रश्न हो गया, श्रम कौन उपलब्ध करवाएगा? वो लोग जो जिनके पास अपनी भूमि नहीं है, जो दूसरे के मझोले बड़े किसानों, कुछ मझोले किसान भी और बड़े किसानों के यहाँ अपनी सेवाएं दे करके उनके खेतों में उत्पादन करके और अपना जीवन यापन करते हैं और उनके उत्पादन को बढ़ाते हैं। अब है इसमें जब वे उत्पादन करते हैं तो मजदूरी क्या होंगी? अब इसमें प्रश्न मजदूरी का आता है। मजदूरी नकद एवं अनाज के रूप में दी जाती है। तो इस पर प्रश्न हो गया, यानी मजदूरी कैसे देंगे? तो मजदूरी नकद देंगे या अनाज के रूप में देंगे? तो इस प्रकार से जो लोग वहाँ खेती में काम करते हैं उनको मजदूरी भी मिलती है। इसमें अपन एक कहानी पढ़ेंगे। अब जैसे एक नाम लेते हैं, एक किसान है, भूमिहीन किसान है, एक डाला कि समस्या, एक समस्या लेते हैं, भूमिहीन किसान है जिसका नाम है डाला है, वह पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करता है, चूंकि उसकी अपनी कोई भूमि नहीं है और उसको अनवरत काम भी नहीं मिल पाता, उसे लगातार काम की तलाश में रहना पड़ता है, लगातार काम के लिए उसे भागदौड़ करनी पड़ती है। चूंकि हम जानते हैं भारत सरकार के आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक मजदूर को न्यूनतम 300 रुपये दैनिक मजदूरी दो हज़ार सत्रह के अनुसार न्यूनतम 300 रुपये दैनिक मजदूरी का प्रावधान किया गया है, परंतु डाला को जो है न्यूनतम ये मजदूरी नहीं मिल पाती है जो कि उसे मिलनी चाहिए। जबकि उसे कितनी मजदूरी मिलती है? डाला को मात्र 160 रुपये मजदूरी मिलती है। तो इतनी कम मजदूरी पे वह काम करने को, उतार लीजिए, इतनी कम मजदूरी पे वह काम करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे देखा कि भूमिहीन मजदूर ज़्यादा है, यानी काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है, इसलिए कंपटीशन होने के कारण, काम करने वालों की संख्या ज़्यादा होने के कारण लोग कम मजदूरी पे भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। यही समस्या डाला की है कि उसे एक तो काम नहीं मिल पाता, काम की तलाश में बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है,
और काम जब मिलता भी है तो उसको पूरी मजदूरी नहीं मिल पाती, अर्थात बड़े किसानों के द्वारा उसका शोषण होता है। यह वह समस्या अपनी जो डाला है वो अपने ही एक किसान साथी है जिसका नाम है रामकली। रामकली जो कि अपनी स्थिति से परेशान है, उसके बारे में किसको बताता है? रामकली को बताता है कि उसके साथ किस प्रकार का आर्थिक संघर्ष है। अपनी उस बेरोजगारी समस्या को वह रामकली से बताता है। गांव में एक समस्या और है पलायन की, इसको उतार लिया होगा आपने। अब गांव में एक समस्या क्या है? पलायन की समस्या है, और वो समस्या है कि कई लोग जो है जिनको वहाँ काम नहीं मिलता, जिनके पास खेती भी नहीं है, रोजगार के साधन नहीं है, आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, वो बड़े शहरों की ओर पलायन करते हैं, जैसे दिल्ली है, मुंबई, हैदराबाद, नागपुर आदि शहरों की ओर मजदूरी के लिए वो पलायन कर जाते हैं। तो एक यहाँ पर जो समस्या रही है वो पलायन की समस्या रही है। इस प्रकार से अपना 5वां पॉइंट भी पूरा हुआ, आपने इसको उतार लिया, कुछ रह गया तो उतार लीजिए। इसके बाद में अगले बिंदु पर चलेंगे, पूंजी की उपलब्धता कहाँ से आएगी, यानी भूमि के लिए पूंजी कहाँ से आएगी, धन की आवश्यकता कैसे पूरी होगी, क्योंकि पॉइंट नंबर 6 ले रहे हैं अब हम, खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। अब पूंजी कहाँ से आए खेतों के लिए? तो देखिए, जो बड़े किसान हैं उनको भी खेती के लिए पूंजी की आवश्यकता होगी, धन की आवश्यकता होगी। जो छोटे मझोले किसान हैं उनको भी खेती के लिए पूंजी की आवश्यकता होगी। चूँकि बड़े किसानों की तो बचत ज़्यादा होती है, तो वे अपनी उस बचत को अपनी खेती के लिए आवश्यक पूंजी की पूर्ति कर लेते हैं। जो छोटे किसान हैं, जो मझोले किसान हैं, उनके सामने बड़ी समस्या है कि वो खेती के लिए जो पूंजी की आवश्यकता है उसकी पूर्ति कैसे करें। अब खेती के लिए पूंजी की कहाँ आवश्यकता होगी? अब जानते हो, जैसे बीज लेना है, खाद लेना है, सिंचाई करवानी है, तो बीज, खाद, सिंचाई, ऐसे विभिन्न आवश्यकताएँ होती है कृषि में, जिसके लिए पूंजी की, धन की आवश्यकता होती है। तो छोटे जो किसान हैं उनके सामने समस्या है कहाँ से धन आए ताकि वो बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई आदि की पूर्ति करें। तो ये दो प्रकार के किसान हो गए, छोटे किसान और बड़े किसान, दोनों की आवश्यकता है। बड़े किसानों के पास बचत ज़्यादा है, अधिशेष है, उस बचत का जो उन्होंने बैंकों में रख रखा है या कहीं दे रखा है, उस बचत को अपनी कृषि की पूंजी की पूर्ति कर लेते। छोटे किसान के सामने उनकी बचत है नहीं, ऐसी स्थिति में जैसे ये फसल आती, फसल की शुरुआत करते हैं तो उनको बीजों के लिए आदि के लिए पैसा चाहिए, नहीं मिलता, तो अब वो किस पर अवलंबित हो जाते? वो ऋण पर अवलंबित हो जाते। ऐसी स्थिति में जो छोटे किसान है वो बड़े किसानों से, क्योंकि बैंकों से ऋण भी मिल नहीं पाता, तो ये बड़े बैंकों से ऋण लेते हैं। और अब ऋण तो ले लिया, इनके सामने इस ऋण में भी समस्या है, ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेना पड़ता है इनको। क्या करना पड़ता है? ऊंची ब्याज दर पर बड़े किसानों से ऋण लेना पड़ता है, ये पूंजी की आवश्यकता है। अब जब बड़े किसानों से ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेते हैं तो चुकाने की समस्या आती है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे खेती की आवश्यक पूंजी जो है छोटे किसानों के लिए, बड़े किसानों के लिए, दो बिंदु याद रखना है, इसको यहीं विराम देते हैं आज का लेसन, ठीक है ना। शेष लेसन इसका अगले बार देखेंगे, आगे का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में होगा। अब अपन के कुछ क्वेश्चंस नोट कर लें जो अपन को करने, जैसे भूमि का वितरण, पहले क्वेश्चन लिख ले, पालमपुर में भूमि का वितरण, प्रश्न नंबर 1। पालमपुर में भूमि के
वितरण को समझाइए। इसके बाद में ये बड़ा क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद छोटा क्वेश्चन जो अपन ले रहे हैं वो लेते हैं। पालमपुर में श्रम कौन उपलब्ध करवाता है, यानी श्रम की आवश्यकता की पूर्ति कहाँ से होती है, ये दूसरा क्वेश्चन रहेगा। प्रश्न नंबर 3 लिखे, पालमपुर में मजदूरी किस रूप में दी जाती है, और लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, डाला की समस्या को बताइए। ये 4 क्वेश्चन है, 4 को स्पष्ट कर दिया। डाला एक भूमिहीन मजदूर है, किसान है सॉरी, उसकी समस्या वो बतानी है। बाकी दोनों बातें, भूमि का वितरण बड़े छोटे किसानों में कर ही दिया था विभिन्न हेक्टरों में, वो आपको वितरण करना है, ये होमवर्क करना है। जो मुझे नोट्स बनाने थे वो मैंने बना दिया, वो भी होने चाहिए, इन प्रश्नों के उत्तर भी होने चाहिए, इनको आपको नियमित याद करना है, नियमित आपको जो क्या नाम से, और अभी इनका होमवर्क करना है। रेगुलर आप इसको याद करते रहें, साथ में ये शिकायतें जो आपकी कुछ विद्यार्थियों की है कि वो यदि याद नहीं कर रहे हैं तो गलत बात है, वो याद करें, और होमवर्क नहीं करने की बात है वो बहुत ही गलत बात है, इसको आप रफ वर्क में करें, उसके बाद में इसको फेयर में उतारें, क्योंकि क्लासेस की बड़ी समस्या है। तो कुछ समय बाद जब भी सरकार के निर्देश होंगे, जब हमारी विद्यालय नियमित लगेगा, पढ़ाया गया पूरा विषय प्रत्येक टीचर के द्वारा, जो भी आपको सब्जेक्ट टीचर होगा वो आपको क्लास में, और मेरे विषय का मैं उस होमवर्क को मैं चेक करूँगा आपने किया है नहीं किया, अगर नहीं किया तो ये गलत बात होंगी। साथ में इसका टेस्ट रिटर्न और ओरल दोनों होगा, जवाब दोगे याद किया है, नहीं तो नहीं दे पाओगे, इसलिए याद करना होगा, फिर बाद में आपके साथ में दंडित किए जाओगे ठीक नहीं होगा, इसलिए रेगुलर याद करते रहें, होमवर्क पूरा करें और शिकायत का मौका बिल्कुल न दें, ठीक है ना। बस आज का क्लास यहीं रहेगी, सेस नेक्स्ट क्लास में।